पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेशेंस बुलेटिन की खबरें नॉनस्टॉप। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी 1 जनवरी को 100 वर्ष की हो गई। पूरे विश्व में फैले अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्थान का महिला के रूप में नेतृत्व करने वाली पहली महिला आध्यात्मिक नेता है। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत दुनिया भर में संस्थान से जुड़े लोगों ने दीर्घायु होने की कामना की है। 100 वर्ष पूर्ण होने पर 29 से 31 जनवरी तक शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें देश व दुनिया से ख्यातनाम हस्तियां शिरकत करेंगी। 3 दिन तक चलने वाले इस समारोह में राजयोग की भूमिका और जीवन से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा होगी। नया वर्ष 2016 धूमधाम से मनाया गया। संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन, पांडव भवन तथा ज्ञान सरोवर समेत देश के कई हिस्सों में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी तथा संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सन 2016 में 16 कलाओं से संपन्न बनने की प्रेरणा दी है। रूस की राजधानी मॉस्को के एक्सपो सेंटर में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अभिनंदन से किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के स्थानीय सदस्यों ने सहभागिता लेते हुए वंदे मातरम की प्रस्तुति द्वारा भारत और रूस की मित्रता को व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और भारत के बीच गहरे संबंध बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी नागरिकों ने जो भारत के प्रति प्यार व्यक्त किया है, ये भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके साथ ही उन्होंने रूस देश की महिमा करते हुए कहा कि भारत देश के साथ हर परिस्थिति में अगर किसी देश ने साथ दिया है तो वह रूस ही है। रशिया में 150 से ज्यादा भारतीय संगीत और कला की स्कूलें चलती है और ये रशियन नागरिक चलाते हैं। मैं सब कलाकारों को फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कार्यक्रम में भारतीय मूल के निवासी एवं प्रवासी भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में रूसी लोग भी उपस्थित थे, जिनका भारतीय संस्कृति के प्रति गहन लगाव व भारत देश के प्रति अथाह प्रेम है। ब्रह्मा कुमारीज के व्यापार एवं उद्योग प्रभाग द्वारा महाराष्ट्र के कल्याण वेस्ट में व्यापार में सफलता एक नए दृष्टिकोण विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आचार्य अत्रे रंग मंदिर ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में KDMC के महापौर राजेंद्र देवलेकर, दी कल्याण होलसेल मर्चेंट एसोसिएशन के मंत्री विजय नारायण पंडित, ब्रह्मा कुमारीज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना की निदेशिका बीके संतोष, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके योगिनी, मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, कल्याण के सब जोन प्रभारी बीके अलका समेत कई प्रतिष्ठित लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पीयूष डांस अकेडमी के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन दिया और अदम्य साहस व आत्मविश्वास का परिचय दिया। वहीं विशिष्ट लोगों ने अपने अनुभवों द्वारा जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को पार करने की युक्ति सिखलाई। इस कार्यक्रम के दौरान संस्थान के सदस्यों ने व्यवसायिक क्षेत्र में सफल बनने के लिए गलतियों से सीखने तथा कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की बात कही। यह विश्वविद्यालय यही सिखाता है कि आप इस संसार में रहो, परंतु संसार आपके अंदर नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार नाव ये पानी में चलती है, पर उस नाव में जब पानी आता है तो नाव डूब जाती है। कोलकाता में ब्रह्मा कुमारीज के बांगूर एवेन्यू सेवा केंद्र ने विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्लेग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक एस भादुरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कमांडेंट BSN रेड्डी, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके मधु समेत अन्य कई बीके बहनें विशेष रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने विश्व में शांति स्थापन करने के लिए सबसे एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं इस ग्राउंड के शांत वातावरण से प्रभावित होकर संस्थान की बीके बहनों का आभार व्यक्त किया।
इस दौरान करीब 1200 लोगों ने सहभागिता की और सामूहिक रूप से राज्यों का अभ्यास कर विश्व में एकता व सद्भाव के प्रकंपन फैलाए। हरियाणा सरकार द्वारा चलाए जा रहे गीता जयंती महोत्सव के अंतर्गत सिरसा में जिला प्रशासन द्वारा गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारी समेत अन्य कई आध्यात्मिक शैक्षणिक व समाज सेवी संस्थाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कर्णदेव कंबोज, राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी, शांति सरोवर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके बिंदु समेत कई विद्वानों ने सहभागिता की। इस अवसर पर बीके बिंदु ने श्रीमद् भगवद गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवानुवाद शब्द लिखा हुआ है, जो कि यह सिद्ध करता है कि गीता में लिखे हर महावाक्य स्वयं भगवान द्वारा उच्चारे हुए हैं। हरियाणा तथा जिला प्रशासन यमुनानगर द्वारा भी जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के प्रोफेसर कॉलोनी सेवा केंद्र ने आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर DSP मदन लाल कंबोज, SHO कुलबीर, पानीपत ज्ञान मन सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण, यमुनानगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रमेश मुख्य रूप से मौजूद थी। कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए बीके भारत भूषण ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर खुलकर चर्चा की और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप से सभी को अवगत कराया। इस दौरान DSP मदन तथा SHO कुलबीर को ईश्वरीय सौगात भेंट की। गुजरात के हिम्मतनगर सेवा केंद्र ने वैशाली ग्राउंड में दिव्य दर्शन मेले का आयोजन किया, जिसमें गुजरात के पूर्व गृह मंत्री प्रफुल्ल पटेल, विधायक राजू चावड़ा, हिम्मतनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रिका समेत संस्थान के सदस्यों ने रिबन काटकर तथा अन्य लोगों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मेले में कई स्टॉल लगाए गए, जिसमें सृष्टि चक्र के माध्यम से जहां नई सतयुगी दुनिया का दृश्य दर्शाया गया, वहीं लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मूल्यों को धारण करने की प्रेरणा दी। नई दिल्ली के सिस्ट्रा MBA कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गिरिजा, प्रबंध निदेशक हरी सोमल राजू, रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य राजीव जारूहार, मानव संसाधन के सहायक महाप्रबंधक सुभाष नौटियाल तथा सहायक प्रबंधिका श्रुति केदूरकर मुख्य रूप से मौजूद थी। इस अवसर पर बीके पीयूष ने कहा कि किसी भी संगठन के प्रबंधन से पहले हमें अपने आंतरिक संगठन का प्रबंधन करने की कला सीखनी चाहिए। वहीं हरी सोमल राजू ने राजू का अभ्यास के दौरान हुए अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं को नियंत्रण में महसूस किया और अपने जीवन के लक्ष्य व उद्देश्य को स्पष्ट देखा। But you need to do, you know, with complete positive. वहीं लोधी रोड स्थित MMTC लिमिटेड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संबंधों में मधुरता विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्मिक निदेशक राजीव जयदेव, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके पीयूष तथा बीके गिरिजा मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके गिरिजा ने संबंधों में मधुरता लाने के लिए व्यस्त दिनचर्या में भी स्वयं तथा परमात्मा पिता के साथ समय बिताने की बात कही। वहीं बीके पीयूष ने मन को नियंत्रण में रखने के लिए प्रतिदिन राजयोग का नियमित अभ्यास करने की सलाह दी। तेलंगाना के नलगोंडा सेवा केंद्र पर मेरा तेलंगाना नशा मुक्त तेलंगाना अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के मेडिकल प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में DSP एस सुधाकर, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आदि रेड्डी, मालिकपेट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उमारानी, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके धनलक्ष्मी मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने कहा कि लोगों को नशा मुक्त बनाना ये बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है और वास्तव में यह पुलिस कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ने इस दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं वे निश्चित तौर पर सराहनीय हैं। इस दौरान शहर में रैली भी निकाली गई, जिसमें संस्थान से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नशा मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया।
इस अभियान के तहत जिला पुलिस मुख्यालय में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक विक्रमजीत दुग्गल ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग करना भी एक प्रकार का नशा है, जिससे समय के साथ साथ हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इस अवसर पर रेडियोलॉजिस्ट बी के रोजा भी मौजूद थी। वहीं स्वामी रामानंद तीर्थ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मालिकपेट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके डॉक्टर उमारानी ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी व्यसनों के शिकार होने के कारण अपना अमूल्य समय, शक्ति व धन का अपव्यय कर रही है। वहीं राज्यों का नियमित रूप से अभ्यास कर मनोबल को बढ़ाने व व्यसन मुक्त बनने की प्रेरणा दी। पूरे भारत देश में मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत महाराष्ट्र में ब्रह्म कुमारीज के लातूर सेवा केंद्र एवं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य बीएस गायकवाड़, लातूर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके नंदा, एनर्जी ऑडिटर बीके केदार मौजूद थे। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बीके केदार ने अनावश्यक उपयोग को कम करके ऊर्जा की बचत करने की युक्ति बताई। इसके साथ ही उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के प्रभावशाली परिणाम प्राप्त करने के लिए हर इंसान के व्यवहार में ऊर्जा संरक्षण का निहित होना आवश्यक बताया। यूपी वाराणसी में ब्रह्म कुमारीज के चिकित्सा प्रभाग द्वारा नेत्र परीक्षण जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। पूर्वांचल नेत्रालय एवं रेटिना केयर सेंटर के संयुक्त आयोजन में यह कार्यक्रम सारनाथ सेवा केंद्र के सभागार में आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ महाबोधि इंटर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बैनी माधव, स्थानीय सभासद अजय जैन, नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश पांडे व शैली पांडे, सेवा केंद्र के बीके बिपिन, बीके मोहन समेत कई विशिष्टों ने दीप जलाकर तथा रिबन काटकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने मानव जीवन का संपूर्ण आनंद लेने के लिए अध्यात्मिक ज्ञान रूपी प्रकाश एवं नेत्र रूपी प्रकाश दोनों को ठीक रखना जरूरी बताया। वहीं शिविर में पूर्वांचल नेत्रालय के डॉक्टर अखिलेश व शैली पांडे ने अपनी टीम के साथ पूर्ण रूप से सेवाएं प्रदान की, जिसमें करीब 300 मरीजों का नेत्र परीक्षण कर उनको दवाइयां वितरित की गई। भुवनेश्वर के समनतारापुर में ब्रह्म कुमारीज के श्री रामनगर सेवा केंद्र ने तनाव मुक्त जीवन प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन के उपाध्यक्ष कृपा सिंह साहू, यूनिट 8 की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कल्पना समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर बीके दुर्गेश नंदिनी ने राज्यों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निरंतर इसके अभ्यास द्वारा जीवन को तनाव मुक्त तथा स्वस्थ बनाने पर बल दिया। वहीं अन्य अतिथियों ने तनाव का मुख्य कारण नकारात्मक सोच को बताया। इस कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। तमिलनाडु के मदुरई सेवा केंद्र ने श्री गुजराती सेवा समाज में सुखी जीवन के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुंबई से वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने मन को स्वस्थ बनाने पर जोर दिया। इसके साथ ही सभी को शारीरिक व्यायाम कराकर आंतरिक तथा बाह्य रूप से स्वस्थ रहने की कला सिखाई। वहीं चेन्नई जोन के सेवा संयोजिका बीके बीना ने परमात्मा का सत्य परिचय देकर परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराई। इस अवसर पर मिलेनियम मॉल के निदेशक लाल सिंह वोरा तथा प्रसिद्ध व्यापारी रमनीक शाह ने डॉक्टर गिरीश पटेल को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र पर 6 दिवसीय युवा महोत्सव मनाया गया। टूवर्ड्स इग्नाइटिंग माइंड विषय पर आयोजित इस महोत्सव का शुभारंभ बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविन्द्र सिंह बालावत, भीनमाल विधायक सामला राम देवासी, थानाधिकारी अशोक अंजना, संस्था की युवा प्रभाग के सदस्य बीके जीतू, सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके गीता ने महोत्सव के उद्देश्य से सभी युवाओं को अवगत कराया। वहीं उपस्थित अतिथियों ने स्वयं तथा राष्ट्र के निर्माण के लिए अध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करने का आह्वान किया। इस अवसर पर कई युवाओं ने सहभागिता की और इस महोत्सव का भरपूर लाभ लेने का संकल्प लिया। बैंगलोर के ओकलीपुरम में माहेश्वरी समाज के ऑडिटोरियम में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आमंत्रित ब्रह्म कुमारीज की वीवीपुरम सब जोन प्रभारी बीके अंबिका ने आध्यात्मिकता को जीवन का हिस्सा बनाकर परमात्म प्यार का अनुभव करने की सलाह दी। इस कार्यक्रम में समाज के अध्यक्ष वसंत कुमार शारदा समेत करीब 150 लोग मौजूद थे।
उत्तर प्रदेश के जेवर में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नए उपसेवा केंद्र प्रभु आंचल भवन के उद्घाटन अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भवन का शुभारंभ दिल्ली हरिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शुक्ला ने अनावरण कर तथा रिबन काटकर किया। इस अवसर पर दिल्ली महिपालपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अनुसुईया, पश्चिम विहार की प्रभारी बीके सुषमा, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके लक्ष्मी भी मौजूद थी। भवन के उद्घाटन अवसर पर अंबेडकर पार्क में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्थान के सदस्यों समेत पूर्व आयुक्त सीताराम मीणा, जेवर के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा, पलवर से राजयोग शिक्षक बी के राजेंद्र ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सीताराम मीणा ने नए भवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जिस स्थान पर भगवान की नजर पड़ी हो वह स्थान भाग्यशाली हो जाता है। छत्तीसगढ़ कोरबा में रामपुर के शासकीय विद्यालय PWD में 7 दिवसीय संपूर्ण व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना ऊर्जा संरक्षण के तहत यह कार्यक्रम इकाई क्रमांक 178 के समूह के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया, जिसमें राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, बीके रितांजलि, जूनियर इंजीनियर KVSN प्रसाद और डॉक्टर AP पांडे समेत कई लोग मौजूद थे। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने बच्चों को बाल्यकाल से ही अनुशासित जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा पर प्रकाश डालते हुए जीवन को हर पल खुशनुमा बनाने का आह्वान किया। इस दौरान कार्यक्रम अधिकारी गणेशी सोनकर समेत बड़ी संख्या में बच्चे उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के तालापारा सेवा केंद्र ने पंडित देव की नंदन दीक्षित सभा भवन में सफलता के 5 कदम एवं अनुभूति शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन महापौर किशोर राय, सेवा केंद्र के प्रभारी बीके रमा समेत अन्य कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्थान के सदस्यों ने जीवन में सफलता हासिल करने के लिए समय को सफल करने की सलाह दी। उत्तराखंड के चंपावट में लोहा घाट सेवा केंद्र ने आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया। बाराकोट के शेरावाली मंदिर में आयोजित इस प्रदर्शनी में बीके सरिता तथा हेड कांस्टेबल प्रेम पाल ने प्रदर्शनी द्वारा हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश दिया। वहीं परमात्मा एक है इस संदेश के साथ साथ राजयोग की भी जानकारी दी। उत्तराखंड के लोहा घाट में रामलीला समिति द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सुनीता तथा राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने उपस्थित लोगों को रामायण के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराते हुए विकारों रूपी रावण को समाप्त करने की सलाह दी। ऐसा ही एक कार्यक्रम लोहा घाट के राजकीय इंटर कॉलेज में भी आयोजित किया गया, जिसमें चित्र प्रदर्शनी द्वारा आत्मा परमात्मा का यथार्थ संदेश और राजयोग की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह, बीके सुनीता और बीके ज्योति मुख्य रूप से मौजूद थी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में युवा प्रभाग द्वारा युवाओं के लिए रिट्रीट का आयोजन किया गया, जिसमें युवा प्रभाग के वरिष्ठ सदस्य बीके हरीश, बीके जितेंद्र, बीके वीरेंद्र तथा बीके रोहित मुख्य रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर बीके हरीश ने जीवन में राजयोग द्वारा सफलता प्राप्त करने के गुर सिखाए तथा अपने अनुभवों को सबके साथ साझा किया। वहीं वैज्ञानिक युग में अध्यात्म की शक्ति के महत्व से अवगत कराया। ग्वालियर में वरेठा के टोल टैक्स वैरियर में महाराजपुरा सेवा केंद्र ने मन प्रबंधन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। टोल टैक्स अधिकारी तथा कर्मचारियों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में महाराजपुरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति, बीके VS प्रसाद ने मन को सशक्त बनाने तथा नियंत्रण में रखने के लिए राजयोग को अपनाना जरूरी बताया। इस अवसर पर टोल टैक्स के AGM रत्नेश शुक्ला, असिस्टेंट मैनेजर सुरेश शर्मा को बीके सदस्यों ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला सेवा केंद्र ने जिला मुक्त कारागार में सहज राजयोग विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था से जुड़े बीके महेश ने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए शुद्ध एवं सकारात्मक विचार और एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करने की सलाह दी। इस दौरान जेल अधीक्षक सुशील कुमार ठाकुर समेत लगभग 60 कैदी मौजूद थे। खबरें नॉनस्टॉप में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।